देखो लास्ट क्लास हमने देखा था सीएनएस के दो पार्ट थे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन की पूरी कहानी हम लोगों ने क्या करी थी लास्ट क्लास में, कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है, याद करना है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम। और ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो हमने कहा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। और तुम जब छोटे थे तब तुम लोगों ने पढ़ा था स्कल, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स, ठीक है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है कौन, क्रेनियम। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन जो रहता है हमारी बॉडी का क्या रहता है, सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है यहाँ का। ठीक है, अब ब्रेन फोर, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अपने आप में क्या होते हैं, तीन मेजर पार्ट होते हैं, जैसे कि ऑल्फैक्ट्री लोब, सेरेबेलम और डायएन्सेफेलॉन। अच्छा, ऑल्फैक्ट्री लोब सिर्फ ऑल्फैक्ट्री लोब नहीं रहता, ब्रेन के अंदर दूसरे लोब्स भी होते हैं, जैसे कि कौन, टेम्पोरल लोब। जैसे ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, स्मेल। ऑल्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, स्मेल, ठीक है ना। जैसे ऑल्फैक्ट्री लोब होता है, वैसे ही ब्रेन के पास क्या होता है, टेम्पोरल लोब भी होता है, जो हमारा हियरिंग और हमारे जो बॉडी का बैलेंस है वो क्या करता है, मेंटेन करता है। इसलिए बहुत बार कान खराब हो जाते हैं ना, जब या आपकी कान में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको चक्कर आते हैं, आपकी बॉडी जो रहती है अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती है, ठीक है। वैसे ही फ्रंटल लोब होता है, जो क्या करता है, हमारे ब्रेन के जो हायर हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, जैसे थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, एनालिसिस, ये सारा कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। वैसे पैराइटल लोब भी होता है ब्रेन में। और ऑसिपिटल लोब भी होता है, ऑसिपिटल लोब जहां पे हमारी आंखें होती है ना, ये वाला जो पोर्शन रहता है ब्रेन का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिपिटल लोब कहते हैं। मिड ब्रेन बेसिकली क्या करता है, सिर्फ फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। और हिंड ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, तीन, एक होता है पॉन्स, एक होता है मेड्यूला और एक होता है क्या, सेरेबेलम, ठीक है ना। हो सकता है कुछ के स्कूल में पॉन्स का पूरा नाम लिखवाए पॉन्स वेरोली, आई बात समझ में। से मेड्यूला का पूरा नाम क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वैसे ही पॉन्स का पूरा नाम क्या होता है, पॉन्स वेरोली, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, सेरेब्रम पे। सेरेब्रम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी की सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज को क्या करना, कंट्रोल करना, है ना। डिफरेंट सेंसेस, टच, स्मेल, विजन, टेम्परेचर, केमिकल, ये सारी चीजें कौन देखता है, हमारा सेरेब्रम देखता है ना। हम कितने इंटेलिजेंट है, हमको कितनी चीजें याद रहती है, हमारी मेमोरी कितनी शार्प है, ये सब भी क्या होती है, सेरेब्रम में होती है। और इसलिए सेरेब्रम ब्रेन के अंदर हमारे ब्रेन में बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे मोटर एरिया, जहां से हमको मूवमेंट करने के सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, प्री मोटर एरिया, ठीक है ना, सोमेस्थेटिक एरिया कि हमको नींद आ रही है, ब्रोकास एरिया, वेरिंग्स एरिया, ऑल्फैक्ट्री एरिया, ऑडिटरी एरिया, विजिबल एरिया, एसोसिएशन एरिया, ये सारे रीजन या लोब्स कहाँ रहते हैं, सेरेब्रम में रहते हैं, ठीक है ना। फिर डायएन्सेफेलॉन क्या करता है, मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, एक हार्मोन होता है, ठीक है। पिट्यूटरी का फंक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। सेंटर फॉर स्लीप, एंगर, हंगर, पेन, ट्रस्ट, प्रेशर, ये सारी चीजें भी कहाँ होती है, डायन्सेफेलॉन में होती है, जो किसका पार्ट होती है, फोर ब्रेन में। यानी कभी कभी जब हम लोग को लगता है क्या कि हमारा पेट भर गया है, तो वो कहाँ से पता चलता है, हमारे फोर ब्रेन से, द स्टेट ऑफ बीइंग फुल, कि हमारा पेट भर गया है या हमको भी बहुत जोर की भूख लगी है, ये सारे सेंटर्स कहाँ होते हैं, फोर ब्रेन में होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। और ये हेड, नेक, ट्रंक, मतलब हमारा सर, हमारा नेक और हमारी जो लोअर बॉडी, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है, ठीक
ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी एंड विजुअल स्टिमुलस, यानी कि अगर मैंने सामने कुछ देख लिया कि गाड़ी आ रही है और मेरे को साइकिल साइड में करनी है, तो मेरे हेड, ट्रंक, पूरी बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन करवाता है? ब्रेन, मिड ब्रेन करवाता है। अब हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन में पॉन्स जो रहता है वो क्या करता है, सिंपली रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। जो मेड्यूला मेड्यूला रहता है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट रहता है और नीचे जाके किस में कंटिन्यू करता है, स्पाइनल कॉर्ड में। इसका काम क्या रहता है, ये हमारी बॉडी के बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, पेरिस्टेल्सिस, डाइजेशन, कितनी बार हमारा स्वॉलोइंग, जो हम लोग खाना निगलते हैं, वॉमिटिंग, ये सारे जो एक्शंस होते हैं ये सारे कौन देखता है, मेड्यूला देखता है, ठीक है। और सेरेबेलम क्या करता है, हमारे मूवमेंट और पोस्चर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो तुम्हारा जो हार्मोनल कंट्रोल होता है वो कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड करता है, ठीक है ना। मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये बायोजेनेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। बहुत सारे ऑथर्स इसको केमिकल मैसेंजर्स भी लिखते हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल्स के फॉर्म में बहुत सारे मैसेजेस क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो हॉर्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं, जो कहाँ सीक्रेट होते हैं, ब्लड में डायरेक्टली सीक्रेट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, और ये बहुत सारे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और जिन ऑर्गन्स को ये लोग अफेक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन्स, क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो हॉर्मोन्स अमीन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, और स्टीरॉइड्स भी हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो नर्वस एक्शन मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम का एक्शन होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, हमको कोई चीज गर्म लगी तो हम इंस्टेंटली हाथ हटाते हैं, ब्रेन है तो हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, याद करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड अपना काम कब करती है, जब सामने से स्टिमुलस आता है, कोई चीज गर्म आ गई, कोई न्यूज आ गई, कुछ भी ऐसा है, मतलब स्टिमुलस के लिए काम करती है। ब्रेन अपने हिसाब से वॉलेंट्रीली फंक्शन करता है, लेकिन जो हॉर्मोनल एक्शन होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है, बहुत स्लोली होता है, इसके इफेक्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म रहते हैं, और जरूरी नहीं होता कि इसके इफेक्ट्स आपकी बॉडी में बहुत डायरेक्टली दिख जाए। जैसे कि तुम्हारी बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं या ब्लड शुगर लेवल्स कम भी हो रहे हैं, तो तुम्हें एकदम से पता चल रहा है क्या? नहीं, नहीं तुम्हें पता ही नहीं चलता कितनी बार, अनलेस वो रिक्वायर्ड से बहुत ज्यादा क्या हो जाए, कम हो जाए, जब हॉर्मोनल एक्शन फेल हो जाए, यानी कि एज लॉन्ग एज योर हॉर्मोन्स आर वर्किंग प्रॉपरली यू विल नेवर रियलाइज क्या, कि मेरी बॉडी में कुछ हो भी रहा है अंदर ही अंदर। इनका काम इतना शांत और इतना साइलेंट होता है, पर ये काम कंटिन्यूअसली करते करते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर हॉर्मोन ने काम करना बंद कर दिया तो अलग कहानी है कि आपको समझ में आएगा कि इनका काम बंद हो गया है, ठीक है। अब हॉर्मोन पे आए तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, एक सेकंड, इनको कितना टाइम लगता है इसको? ये कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहते हैं, हॉर्मोन्स रुकते नहीं है, रुकते नहीं है मतलब क्या, कि ये ऐसा सीन नहीं है इनका कि अभी काम कर रहे हैं बाद में काम नहीं नहीं करेंगे, इनका काम कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, चलता रहेगा। तुम्हारे सिलेबस में इतना डिटेल में हॉर्मोन्स नहीं है जितना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पर हमको हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर किसी स्कूल में ज्यादा करवाया भी तो तुम लोग का करावा होगा, नहीं शायद तुम्हारे स्कूल में सारे ये सारे बताएंगे हॉर्मोन्स, बाकी जगह पे एक एक दो दो ही बताएंगे, बाकी स्कूल में सारे एंडोक्राइन ग्लैंड भी नहीं पूछते, पर हम लोग सारे करके क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले आता है कौन सा, हाइपोथैलेमस, सबसे पहले कौन सा आता है, हाइपोथैलेमस। मास्टर हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिलीजिंग हॉर्मोन सिक्रीट करता है, कौन से हॉर्मोन हो जाता है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स, जो किसकी तरफ डायरेक्टेड रहते हैं, पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी क्या है हमारा, मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी को कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करने हैं वो कौन बताएंगे, हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हॉर्मोन्स बताएंगे। आ रही बात समझ में, देखो
एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे पहले सीक्रेट करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ कंट्रोल करता है, जो हमारी हाइट वाइट बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, हमारी बोन्स, हमारी मसल्स और हमारा एडिपोज टिश्यू, जो हमारी बॉडी में क्या फैट स्टोर करता है। ये क्या करता है, अगर इसकी आपको डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको ड्वार्फिज्म हो जाता है, मतलब बोनापन, आपकी हाइट बढ़ती नहीं है। अगर ये एक्सेस में सिक्रीट हो जाए तो एक डिजीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं जायजेंटिज्म, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनकी हाइट रिक्वायर्ड से, हाइट और बिल्ड दोनों रिक्वायर्ड से बहुत ज्यादा होती है, उनमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन क्या रहता है, ज्यादा रहता है। फिर आता है टीएसएच, टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या बोलता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, तो वो थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रीट करना है कि कम सिक्रीट करना है, वो कौन बताता है, टीएसएच बताता है। नेक्स्ट है एडर्नोकॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, एडर्नोकॉर्टिको बेसिकली एडर्नल ग्लैंड का हार्मोन होता है, एडर्नल ग्लैंड हमारा ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी होता है, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो वहां से हम लोग को एड्रेनलिन कितना सीक्रीट करवाना है वो कौन डिटरमाइन करता है, एडर्नो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। फिर आते हैं प्रोलैक्टिन, ये मदर्स के अंदर जो मिल्क होता है, मेमरी ग्लैंड होते हैं उनमें से मिल्क सीक्रीट करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जैसे लिखा है ना टारगेट टारगेट टारगेट, मतलब ये इस टारगेट ऑर्गन पे ये वाला हार्मोन क्या करता है, काम करता है। हर हार्मोन का क्या होता है, हम हर एक टारगेट ऑर्गन होता है। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है यूजुअली, और जो ओवेरियन फॉलिकल रहता है या ओवम रहता है उसको ओवरी से रिलीज करवाने के काम आता है। मेल्स में ही काम करता है मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, पर मेल्स में स्पर्म रिलीज नहीं होते, तो इसका जो मेजर काम रहता है वो क्या होता है, फीमेल में ओव्यूलेशन टारगेट करने के लिए होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, सेक्स ऑर्गन्स को टारगेट करता है, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज को। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फीमेल में ओव्यूलेशन करवाएगा, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का सीक्रीशन बढ़ा देता है, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी थे, मतलब आगे वाले पिट्यूटरी से। पीछे वाला पिट्यूटरी क्या सीक्रीट करता है, दूसरे हार्मोन सीक्रीट करता है, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, यूरेटिक मतलब यूरिन से रिलेटेड, ठीक है। तो जो हमारे यूरेटर्स रहते हैं, जो हमारे किडनी के ट्यूब्स रहते हैं, ये उनको टारगेट करता है कि आपको कितना, जब हमारा नेफ्रॉन रीअब्सॉर्प्शन करता है तो कितना पानी क्या करना है, रीअब्सॉर्ब करना है, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे और हमारी बॉडी में वाटर लेवल्स भी क्या रहे, मेंटेन रहे। सिमिलरली जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये भी पीछे वाला पिट्यूटरी सीक्रीट करता है, जो हमारे यूटरस के स्मूथ मसल्स को टारगेट करता है और हमारे ब्रेस्ट को टारगेट करता है। जिससे क्या होता है, जब मदर लेबर में जाती है, चाइल्ड बर्थ होने वाला रहता है, तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन क्या होता है, बढ़ जाता है, और नेचुरली बॉडी में नहीं बढ़ता है, तो आजकल डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं मदर्स को कि इससे क्या होगा, लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चा डिलीवर हो पाता है। तो ये हमारे ऊपर के ग्लैंड हो गए, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। फिर थोड़ा नीचे आओगे तुम्हारे थ्रोट तक, तो यहाँ पर कौन होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रीट करता है, थायरोक्सीन, जिसको हम लोग T4 बोलते हैं, और ट्रायओडोथ्रियोनाइन सीक्रीट करता है। ये बेसिकली क्या करता है, एटीपी के प्रोडक्शन में क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट मैनेज करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है मतलब आप कितनी जल्दी खाने को डाइजेस्ट करोगे, और उस डाइजेस्टेड फूड पे कितनी जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीजन एक्ट करके एटीपी बनाएगा, ठीक है। दूसरा रहता है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन बेसिकली क्या करता है, जब ब्लड कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं तो ये क्या करता है, ब्लड में से कैल्शियम अब्सॉर्ब करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी तुम्हारी मम्मियां तुम लोग को बोलती है बेटा दूध पी लो, बेटा दूध पी लो, बेटा दूध पी लो। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो बड़े मतलब 50 के बाद, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तब कैल्सिटोनिन क्या करता है, अब और आपके ब्लड से कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, फिर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही कमजोर है। हो रही है। तो अगर आप अभी से दूध पी के ब्लड कैल्शियम लेवल्स बढ़ा लोगे, तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये ब्लड शुगर कहां से, ब्लड कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट कर देगा, और अगर ये ब्लड कैल्शियम आपकी बोन्स में क्या हो जाएगी, डिपॉजिट डिपॉजिट हो जाएगी, तो आपकी बोन्स क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्टोरेज का काम करती है। हाँ, ये बेसिकली ब्लड कैल्शियम क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है, ब्लड कैल्शियम को कहाँ ले आता है, बोन्स पे ले आता है।
इसका उल्टा हार्मोन होता है पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथार्मोन। पैराथार्मोन बेसिकली ब्लड कैल्शियम लेवल्स बढ़ाता है। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम हो गए तो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो आपकी बोन्स में से कैल्शियम डिजोल्व करके कहाँ ले जाएगा, ब्लड में ले जाएगा, क्योंकि आपकी ब्लड में कैल्शियम लेवल्स क्या है, कम है। तो पैराथायराइड बेसिकली चार डॉट होते हैं थायराइड के अंदर, और कौन सा हार्मोन सीक्रीट करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम लोग पैरा हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर गलती से हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल्स क्या हो गए, हम कम हो गए, गए तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और वो क्या करेगा, हमारी बोन सेल्स में जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ठीक है ना, और किडनी सेल्स में, यहाँ पर कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा किडनी में। वरना क्या होगा, जब किडनी यूरिन पास कर रही है तो कैल्शियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन पैराथॉर्मोन क्या बोलेगा कि अभी ब्लड को कैल्शियम की जरूरत है, तो आप ज्यादा कैल्शियम क्या करो, रीअब्सॉर्ब करो। अगर वहां से काम नहीं हो रहा है तो बोन्स के ऑस्टियोक्लास्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बोन्स का कैल्शियम कहाँ रिलीज करने लगते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज करने लगते हैं। तो इसलिए बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की एक्टिविटी हमको पता चल पाती है क्या, नहीं। नहीं, लेकिन होती रहती है क्या कंटिन्यूस। हाँ, फिर आता है एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड, इसको हम लोग, ये क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन ऑफ इमरजेंसी। जैसे कि जब शेर आएगा तब आंखें फटी की फटी रह जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आ रही बात समझ में, रेस्पिरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सारी की सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, मसल्स में, ताकि आप भाग पाओ। आ रही बात समझ में। तो ये किसका काम रहता है, एड्रेनलिन का। देखो एड्रेनलिन क्या रिलीज करता है, एपाइनफ्राइन रिलीज करता है और नॉन एपाइनफ्राइन रिलीज करता है। ये हार्ट रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, लंग्स की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, ताकि ब्रीदिंग रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, एडर्नल कॉर्टेक्स, जो एडर्नल का पीछे वाला पार्ट रहता है, वो क्या रिलीज करता है, अल्डोस्टेरोन। ये हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपकी बॉडी में कितने सॉल्ट्स हैं, ब्लड में कितने सॉल्ट्स हैं, उनको मैनेज करता है। और कॉर्टिसोल जो रहता है, ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखना मतलब क्या होता है, कि अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो हमको कितने किडनी के थ्रू क्या करवाने, रीअब्सॉर्ब करवाने, कितने यूरिन के साथ आपको बॉडी के बाहर फेंकने। ठीक है, नेक्स्ट पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या करता है बेटा, तुमको पता है, पेंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड होता है जो अपने आप में एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। ये कैसा होता है, एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन कब होता है, जब ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, पेंक्रियाटिक पेंक्रियाटिक जूस। जूस। और एंडोक्राइन कब होता है, जब इसका ये वाला पार्ट एक्टिव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकाजन। इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है, और ग्लूकाजन क्या करता है, हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो जब शुगर बढ़ जाएगी तो क्या सीक्रेट होगा, इंसुलिन। तो आपके ब्लड में से शुगर क्या हो जाएगी, कम कर देगा इंसुलिन। और ग्लूकाजन क्या करता है, ब्लड उसको बढ़ाता है, कि अगर ब्लड में शुगर कम है तो क्या हो जाएगा, वो उसको रोक देगा। फिर आता है थाइमस ग्लैंड। ये जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे ये छोटा होता जाता है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करवाता है। फिर आता है पीनियल ग्लैंड, ये एक हार्मोन सीक्रीट करता है मेलाटोनिन। इससे आपकी स्किन कलर भी इफेक्ट होती है, इससे आपका मूड भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो डे लाइट जो रहता है, आपकी कार्डियन रिदम जो रहती है, ये बेसिकली क्या करता है, मेंटेन करता है। मतलब जैसी डे लाइट होगी, जो आपके स्लीप साइकिल वगैरह होती है, वो सब भी इससे रेगुलेट होती है। नेक्स्ट है ओवरीज। ओवरीज तुम लोग को पता है क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये दो मेजर हार्मोन सीक्रीट करता है, एक एस्ट्रोजन जो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बढ़ाता है और एग्स का मेच्योरिटी बढ़ाता है। दूसरा प्रेजेस्टेरॉन, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके चलता है। मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जायगॉट बन जाता है, तो उसको मदर की बॉडी से उसको चिपकाने का काम, कि बच्चा गिरे ना, मिसकैरेज ना हो, वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेस्टेरॉन करता है। और मेल्स में कौन होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस। ये टेस्टोस्टेरॉन सीक्रीट करता है और ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने के
काम आता है, जो लड़कों की आवाज आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी। यहाँ पर तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम भी क्या होता है,